नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। दोस्तों, यदि आप अपने किसी भी पेज के अंदर या असाइनमेंट के अंदर आप टेक्स्ट ले लेते हैं और आप चाहते हैं कि उस टेक्स्ट या पैराग्राफ के अंदर या लाइन के अंदर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस पैराग्राफ या उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें इसके लिए फिर हम जाएंगे पहले होम रिबन बार में। होम रिबन बार में पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर नीचे की ओर आपको यहाँ पर पांचवें नंबर पे आपको दिखाई देगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पेस दिखाएगा कि लाइन में जो स्पेस चाहिए वो एक लाइन के लिए, वन पॉइंट के लिए, या फिर सवा पॉइंट के लिए, डेढ़ पॉइंट के लिए, दो पॉइंट के लिए, ढाई के, तीन के लिए, आप कितना लाइन स्पेस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ चाहें वैसे आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट कमांड है कि जैसे आप अगर कंट्रोल दबाकर जीरो दबाते हैं तो इसमें जीरो पॉइंट आ जाएगा, अगर आप एक दबाते हैं तो एक लाइन का स्पेस आ जाएगा, अगर आप पाँच दबाते हो तो डेढ़ लाइन का स्पेस आएगा, अगर आप दो दबाते हो तो दो लाइन का स्पेस आ जाएगा। आप जैसे चाहें तो शॉर्टकट कमांड के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इसमें हमने स्पेस ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हम चाहते हैं स्पेस को हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी चाहें तो बिफ़ोर एंड आफ्टर रिमूव ये हम हटा सकते हैं। ये बिफ़ोर और आफ्टर ये क्या चीज़ है, सपोज़ करो आपने यहाँ पर हमसे नॉर्मल कर लिया, जैसे था वैसे कर लिया हमने, और आपने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फार्मूले के माध्यम से एक टेक्स्ट लेके आता हूँ, जैसे आर ए एन डी, हमने ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है दोस्तों, और हमने कंट्रोल जे करके जस्टिफाई कर लिया और हमने यहाँ पर कुछ कम पैराग्राफ बना दिए यहाँ पर, ताकि हम आसानी से उनको यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर हमने तीन पैराग्राफ ले लिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि हर पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पे गए पहले तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। बाद में भी अगर ये अब यहाँ पर हम चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं जो स्पेस पहले ऐड हुआ है, तो ये बिफोर यानी कि रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ से पहले स्पेस दो, यहाँ पे सभी पैराग्राफ के पहले जो स्पेस आया है उसको ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं बाद का स्पेस रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम देखो अभी अब नीचे देखो कि चिपक रहे हैं सारे पैराग्राफ आपस में एक दूसरे से, ठीक है, ये नीचे चिपक गए। हम कहते नहीं ऊपर से स्पेस देना है, तो ऊपर से स्पेस देना है तो ऐड कर दो यहाँ पर, नीचे से भी स्पेस देना है तो नीचे से भी ऐड कर दो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन भी होता है कि अगर आप कितना लाइन, ये तो पैराग्राफ का था, आप लाइन के बीच में भी कितना ऑप्शन देना चाहते हैं, कितनी लाइन बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में आप देखो यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पर एग्जाम प्रीव्यू के अंदर आपको, और जैसे आपने ओके करा तो देखो कितने आ गए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ऑप्शन के माध्यम से भी आप मल्टीपल करना चाहते हो, सिंगल लाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे ओके करोगे तो सिंगल लाइन हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अगर ऑप्शन के माध्यम से अपने हिसाब से एक्यूरेसी करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर आप ऑप्शन को खोल के कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और आज आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से हम अपने फाइल में किसी भी पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और लाइनों के बीच में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।